हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन कभी कभी जब लॉस करते हैं ना, तो जितना चार दिन में प्रॉफिट बनाया, पाँचवें दिन पूरा का पूरा प्रॉफिट दे देंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है? इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। आपने सोचा कि मैं जो है एक ट्रेड ले रहा हूँ, 100 रुपये पे ट्रेड ले रहा हूँ, 80 रुपये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 80 रुपये आएगा मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा, लेकिन जब 80 रुपये आता है आप अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करते हैं, और उस दिन क्या होता है, वो पूरे के पूरे मार्केट आपके अगेंस्ट में चली जाती है और पूरे के पूरे आप पैसे गवा देते हैं। रीज़न क्या निकला है यहाँ पे? इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था। 80 रुपये पे जब आई मार्केट, अगर आपने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया होता, आपने जो भी आपका कैपिटल था वो बचा का बचा रह जाता। ठीक है, मैं मानता हूँ मार्केट में पैसे बनते हैं, अगर आप जो है ट्रेडिंग करते हो तो आप पैसे बनाओगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पैसे बनाओगे, लेकिन पांचवें दिन वो एक दिन ऐसा आएगा ना जिस दिन आप पूरे के पूरे पैसे गवा दोगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या सॉल्यूशन है? आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हो, कैसे जो है आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो, क्या इसका सॉल्यूशन है। तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास दो सॉल्यूशन है। पहला तो एक्सपीरियंस। आपके पास अगर 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लोगे, तो आप मान जाओगे, लेकिन अगर आप एक बिगनर हो तो फिर वही स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप? एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग काफ़ी सारे लोग सुने होंगे, काफ़ी सारे लोग नहीं सुने होंगे। एल्गो ट्रेडिंग में होता क्या है, आपका जो सेटअप है, आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, लेट सपोज 220 स्ट्रेटेजी है, मैंने एल्गो में 220 स्ट्रेटेजी मैं बना दूंगा। ठीक है, वहाँ पे एक मैं फिक्स जैसे लग दूंगा कि भैया जब ब्रेकआउट हो तो 20 पॉइंट ट्रेड ले लीजिए, उसका ट्रेड रहेगा कैंडल का लो, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कैंडल का लो रहेगा, टारगेट आपका जो भी आप डिफाइन कर दीजिए। मतलब एक आपकी स्ट्रेटेजी पे एक सिस्टम डिफाइंड हो जाता है। वहाँ पे क्या होगा, ट्रेड आपको नहीं लेना है, जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाओगे उसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली ले लेगा। कैसे करते हैं अभी सब मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वहाँ पे एक सिस्टम रहेगा जो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड पंच करेगा, एसएल होगा तो एसएल एक्सेप्ट कर लेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक कर लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, जो आपने सेटअप दिया जैसे क्राइटेरिया मेट होगा ट्रेड पंच हो जाएगा, एसएल होने वाला रहेगा तो एसएल हो जाएगा, प्रॉफिट होने वाला रहेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने 20 पॉइंट का एसएल दिया है, सिस्टम में सेट किया है, 20 पॉइंट का एसएल जैसे होगा सिस्टम ऑटोमेटिकली कट कर देगा आपकी पोजीशन को। ठीक है, तो आप यहाँ पे बड़े लॉस से बच जाओगे। ठीक है, तो एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। अब यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग भाई करें कैसे, एल्गो बनाए कैसे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो उसके लिए जो है आप ट्रेडट्रॉन का मदद ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है आप अपने खुद के एल्गो बना सकते हो, अगर मार्केट में बहुत सारे एल्गो हैं उनका यूज़ कर सकते हो, यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। सिंपली ट्रेडट्रॉन का ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी में जाना है। अगर आपको स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है नेम लिख के सारी क्राइटेरिया लिख दीजिएगा, यहाँ से स्ट्रेटेजी आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, ठीक है, माई स्ट्रेटेजीज में मैं जाऊंगा। ठीक है, तो 920 स्ट्रेटल जो मैंने बनाया था, ये मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे एडिट करके। ठीक है, ये सिंपल सी 920 स्ट्रेटल बहुत फेमस है यार, सब लोग जानते होंगे। 20 पॉइंट पर लेग का इसका जो है था वो एसएल था। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है क्या करना था, सिंपल सीधे मैंने वो कर दिया था, एटीएम की जो स्ट्राइक प्राइस थी उसको सेल कर देना है, एक लॉट ऑलरेडी प्री डिफाइंड है यहाँ पे, और कॉल और पुट। ठीक है, एक यहाँ पे सेल हो गया, सिंपली ATM के जो है कॉल और पुट जो सी और पी दोनों सेल हो जाएंगे, SL डिफाइंड है जिस साइड में भी निकलेगा, एक साइड कैसल कट हो जाएगा पर लेग, और पूरी की पूरी यहाँ पे मतलब स्क्रिप्ट सिंपली कुछ करना नहीं है, आपको ऐड करके प्राइस सेलेक्ट करना है आपका, इस ये जो है हो जाएगा। ओवरनाइट इसको कैरी करना है कि नहीं ये भी आप यहाँ पे दे सकते हो, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से बन जाएगा। इस सिंपल इस स्ट्रेटेजी को आपको कॉपी करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, सीधे सीधे उठा के वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, आपको इतना क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से आपको मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे देनी है, कितने टाइम के लिए ट्रेड करना है, जो भी मतलब जितनी भी डिटेल लेंगे सब यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, सिंपली स्ट्रेटेजी बना दिया, कहाँ पे कैसे ट्रेड करना है वो बता दिया, एसएल फिक्स दे दिया, बस आपका काम हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छे से काम करती है। कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें भी डिटेल में मैं दिखा देता हूँ आपको। बाकी इसका मैं आपको एक बार रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा, इस स्ट्रेटेजी का रिपोर्ट कितना था, जो भी ये स्ट्रेटेजी थी 920 स्ट्रेटल। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो जो भी कैपिटल रिक्वायर्ड था 1 लाख का कैपिटल रिक्वायरमेंट थी इसमें, और इसमें जो है मंथली ROI जो है आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका जो PNL था लगभग 7% का सितंबर में था, 7% का रिटर्न मिला था, फिर अक्टूबर में जो है 2% का नेगेटिव साइड में था, मैं राउंड ऑफ करके गिन रहा हूँ, फिर नवंबर में मोर देन 5.3% का रिटर्न था,
दिसंबर में थोड़ा सा लॉस था 4% का, 3%, मतलब ओवरऑल देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट ही देखने के लिए मिला एट द एंड ऑफ द मंथ। कितने टोटल ट्रेड पंच हुए थे? 72 ट्रेड पंच हुए थे, 72 ट्रेड्स सितंबर में पंच हुए थे, 72 ट्रेड्स अक्टूबर में, 84, 88 ऐसे ट्रेड सारे पंच हुए थे, ठीक है। ओवरऑल आप पूरा बैकटेस्ट रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हो किस समय कितना प्रॉफिट बना था। ओवरऑल PNL यहाँ पे है और इसका पूरा एक्सेल सीट भी होगा मेरे पास, वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस दिन कितना ट्रेड हो गया, कितना प्रॉफिट बना था। तो इस एल्गो पे जितने भी ट्रेड्स हुए थे ये इसका बैकटेस्ट रिपोर्ट है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। और सिंपली आप भी कोई अपनी जो है एल्गो बना के इसी तरीके से उसका बैकटेस्ट रिपोर्ट यहाँ से पा सकते हो कि अगर ये एल्गो मैंने बनाया तो उसमें कितने SL हिट जो SL है वो कितने SL हिट हुए, कितना प्रॉफिट बना, सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएंगी। सिंपल देखो 58 डेज जो थे वो विनिंग थे, लॉस डे 65 थे, बट इन एंड ऑफ द मंथ विन रेट कितना था, टोटल प्रॉफिट कितना बना, 17,000 रुपये बने 1,00,000 रुपये कैपिटल पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हो। कैसे बनाना है, सिंपल मैंने आपको बता दिया कि जो है स्ट्रेटेजीज में जाइए, यहाँ पे जो है आपको माई स्ट्रेटेजीज में आना है, जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी ये यहाँ पे दिखाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ से क्रिएट स्ट्रेटेजी, जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, सिंपली यहाँ पे लिख के और स्ट्रेटेजी बहुत सिंपली बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको किसी और की भी जो है स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है तो सिंपली मार्केट प्लेस में जाइए, बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रेटेजीज आपको मिलेंगी बनी बनाई जिसको आप यूज़ कर सकते हो, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, समझ गए। करना क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी अगर कॉपी करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जो है आप उसको कॉपी कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे और डिटेल में चीज़ें सीखनी है तो आपको एक 1,500 रुपये का डिस्काउंट वाउचर भी मिलेगा। सिंपली learn.tradetron.tech पे जाना है और यहाँ पे साइन अप करके आप यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख सकते हो किस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, एडवांस जो भी कॉन्सेप्ट है सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया ओवरऑल कि देखो एल्गो ट्रेडिंग से जो है आपके सिंपल से दे बात जो आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है वो होने लगेगा, बिकॉज आपने स्ट्रेटजी दे दी सिस्टम को, सिस्टम जब वो क्राइटेरिया मेट होगा ट्रेड पंच होगा ऑटोमेटिकली, जैसे ही SL होने वाला रहेगा SL एक्सेप्ट हो जाएगा, टारगेट मिलने वाला रहेगा टारगेट एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।